पहले आपने फिल्म से शुरुआत की और फिल्म के बाद ये सीरियल है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का सीरियल ले रहा है ये जो लोगों के बीच आने वाला है? ये सीरियल का नाम है धर्मयुद्ध और ये फीमेल बेस्ड सीरियल है। एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएँ, औरतें, लड़कियाँ कहीं भी मेल से कम नहीं है, मर्दों से कहीं भी कम नहीं है। इसका नाम है धर्मयुद्ध। इसकी छोटी सी स्टोरी है कि मठ होता है नॉर्थ में, हमारे मठ मंदिर, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो मठ के मेन मालिक हैं वो एक विल बना के गया, वसीयत कि 20 साल के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी का हो जाएगा। लेकिन बाकी जो दुश्मन है वो चाहते नहीं कि इनका, लड़की को किडनैप करते हैं और इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है। और उसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि लड़की पुजारी है और जो इनके दुश्मन है, जो अपोजिशन वाले हैं, वो कहते हैं लड़की पुजारी कैसे हो सकती है, हम तो पूजा तो मर्द लोग करते हैं, लड़के करते हैं। ये बोलते हैं जब मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे संस्कृत आती है, सब कुछ आती है, मैं क्यों ना करूँ। तो मेरा सिर्फ बेस ये है कि लड़कियाँ आगे बढ़ें और उनको मौके मिलते रहें, क्योंकि टैलेंट में वो किसी से कम नहीं है, मेरा ये मानना। तो विनोद जी, क्या इससे पहले, फिल्म से पहले आपने क्या कुछ कर रहे थे और किस तरह से आपको प्रोड्यूस करने का आपके मन में यह आया कि हाँ मुझे प्रोड्यूस करना चाहिए फिल्में और सीरियल्स को? बेसिकली मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में हूँ, एक बिल्डर हूँ छोटा मोटा, और म्यूज़िक से बहुत लगाव था मुझे बचपन से, मैंने सीखा भी है क्लासिकल काफ़ी साल तक, और इंडस्ट्री से बहुत लगाव था पहले से ही। तो मैंने सबसे पहले मेरी कंपनी का नाम है आरवी सीरीज, ये आप जान लीजिए, मेरी कंपनी का नाम है आरवी सीरीज। पहले हमने एक एल्बम बनाई, फिर हमने एक लव इन कॉलेज मूवी बनाई जिसमें स्टार है किरण कुमार, एहसान कुरैशी, मुश्ताक खान, अनिल यादव, जिसमें शान ने गाने गाए हुए हैं। वो फिल्म रिलीज़ हो जाएगी जून में, उसके बाद हमने ये सीरियल सोचा। आपके दाएं बाएं दोनों तरफ दो खूबसूरत फिल्म बैठे हैं, परिचय करें उनका कि क्या किरदार निभा रहे हैं। हाँ, बड़ा खूबसूरत है, ये है डॉली, जो हमने काफ़ी लड़कियों में से इनको सिलेक्ट किया है, और ये दिल्ली से है, मेरे ख्याल से लीड फर्स्ट टाइम ही कर रही है इतने बड़े लेवल पे। और ये है मल्लिका रानी, इसको हम प्यार से मल्लिका रानी पहचानते हैं, मल्लिका रानी। ये हमारे नेगेटिव है, नेगेटिव फिल्म में नेगेटिव रोल है और इस सीरियल में भी काम करेंगे। तो एक तरफ आपकी पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, तो इन दोनों में ऐसी क्या बातें आपको नजर आई कि आपने ही नेगेटिव और एक को पॉजिटिव आपने? नहीं, ये दोनों पॉजिटिव है हमारे सीरियल के, जिसमें हमने ऑडिशंस रखे थे, काफ़ी लड़कियां आई थी, जिस तरह का कैरेक्टर मुझे चाहिए था, और सुधा जी इसमें मेन लीड, सुधा जी, तो सुधा जी से थोड़ी मिलती जुलती और इस एज की, उनको संस्कृत का नॉलेज हो, सारी चीज़ों का नॉलेज हो, उसमें से ये सिलेक्ट हुए एंड ये लकी है, हमारी आर्टिस्ट भी लकी है, इतनी बढ़िया आर्टिस्ट हमको मिला। डॉली जी, आप क्या? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर की कि उन्होंने मुझे चुना है इसके लिए, और मैम से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पर काम करके। इतनी अच्छी टीम मिली है, डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं, मेरे को स्टार्स वो भी बहुत अच्छे हैं। एक नया शो है, नई स्टार्टिंग है मेरे लिए, तो आई थिंक कि बस पूरी जान डाल देनी है कि अच्छे से परफॉर्म करूँ। तो डॉली जी, इससे पहले कहाँ पर क्या कर रही थी और किस तरह से आप मिली सीरियसली? मैं दिल्ली से हूँ, मैं मुंबई आई हूँ, अभी मुझे 5 मंथ्स हो गए हैं। मैंने मूवी की थी भूमि संजय दत्त सर के साथ में, तो उसके बाद फिर मैं अब मुंबई आई हूँ। मूवी करने के बाद मैंने एड्स किए हैं और मैंने शॉर्ट फिल्म की है, तो अभी मुझे लगा कि मुंबई चलना चाहिए, फिर मुंबई में आके मैंने थोड़ा स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। अभी मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान की, लकी हूँ कि मुझे अभी इतना अच्छा चांस मिला है परफॉर्म करने का। बस मुझे डांस का बहुत शौक है, तो ट्राई करती हूँ कि डांस में भी कुछ करूँ। तो डॉली जी, इतना सब कुछ करने के बाद अब धर्मयुद्ध में किस तरह नज़र आने वाली है, कौन सी किरदार, कैसा किरदार होगा? धर्मयुद्ध में आप ये सोच लीजिए कि हीरो मैं हूँ, यहाँ की हीरोइन जो है वो भी मैं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि पावरफुल करेक्टर, तो हीरो नहीं है, हीरोइन ही हूँ मैं, लेकिन एक बहुत पावरफुल करेक्टर है, तो उसे मुझे अच्छे से परफॉर्म करना है। और आप लोग देखेंगे, बहुत खुश होंगे ये देख कर, जो आप मेरी मेरी मॉम की केमिस्ट्री देखेंगे, हम लोग किस तरह से लड़ाई करते हैं, उस टाइम पे लोगों ने किस तरह से लड़ाई की थी, और ये आज का कलयुग है, तो हम लोग किस तरह से लड़ाई करेंगे। तो आपके आपके बगल में ही आपकी नेगेटिव भी बैठी हुई है, तो उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हैं आप? ऑन स्क्रीन तो ज़बरदस्त फाइट करेंगे हम लोग, बट ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छी केमिस्ट्री है हम लोग की, और इनका घर का नाम डॉली है, तो कुछ सिमिलरिटीज भी है। तो आपने आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी ग्रुप बना हुआ है कि इंडस्ट्री में आने के लिए मतलब काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा सफर रहा अभी तक आपका, अच्छे लोग मिलेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
लोग हर तरह के मिलते हैं, आपको दो रास्ते मिलते हैं, एक सही और एक गलत। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज़ करना है। मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी कोशिश कामयाब भी हो रही है। तो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं इस इंडस्ट्री का? मैं इस इंडस्ट्री में बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। एक्चुअली मुझे मुंबई भी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली से ज़्यादा सेफ मुंबई है। यहाँ पे जैसे रातों को मैं निकल के घूम सकती हूँ, बाहर चले जाती हूँ। हमारे दिल्ली में इतना नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 9 बजे के बाद की हाँ सब लोग सुनसान हो जाते हैं, लेकिन मुंबई है कि वो बोलते हैं कि नाइट लाइफ है, बट डे लाइफ भी है। इसे इंजॉय करो, अपने स्ट्रगल को, कोई स्ट्रगल ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं विनोद सर को बहुत थैंकिंग हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा कैरेक्टर दिया है फिल्म में। नेगेटिव लीड रोल जो नेगेटिव करते, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में बहुत अलग दिखते हैं अगर आप नेगेटिव कर रहे तो। और स्टार्टिंग मेरी टीवी सीरियल से रही थी, कभी सोचा ना था। डीडी वन से मैं शुरू की हूँ। मैं बेसिकली झारखंड धनबाद की रहने वाली हूँ, जहाँ से सर हैं। फाइनली मैं 2.5 ईयर से मैं मुंबई में हूँ, और 3 फिल्में की हूँ, जिसमें से सर का एक फिल्म है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो शो का कॉन्सेप्ट है, क्या आपको प्रेरित किया इस तरह का शो बनाने के लिए, और आगे चल के प्रोड्यूसर के तौर पर क्या किस तरह का शो बनाना चाहते हैं, कहाँ किस मुकाम? मेन बेसिक बात यह है कि मेरी 2 बेटी है, मैं चाहता हूँ कि वो किसी से कम नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है कि फीमेल लीड है और वो किसी हीरो से कम नहीं। वो पब जाती हैं इस सीरियल में, वो जीन्स पहनती हैं और पूजा भी करती हैं। लोगों का ऑब्जेक्शन है कि जींस पहनने वाली लड़की पूजा कैसे कर सकती है। लड़की का ऐसा मानना है कि जब मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं क्यों नहीं करूं। तो फीमेल को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे इस सदियों से चला रहे हैं, हम तो दबा के रखे हैं औरतों को, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज के तारीख में लड़कियाँ हर जगह लड़कों से आगे, ऐसा मेरा मानना है। हर जगह पर IAS ऑफिसर देखो, IPS देखो, पायलट देखो, इंजीनियर देखो, एक्ट्रेस देखो, सब जगह वो है। आप लेटेस्ट आप पिछले आप 5 साल का रिकॉर्ड निकालिए, एग्जाम्स में रिजल्ट्स भी नहीं कि फर्स्ट आ रहे हर जगह पर। तो मुझे ऐसा लगता है और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरी 2 बेटी। तो मेरा बेस ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने किया। लोग कह सकते हैं कि लड़कियाँ लड़कों पर भारी हैं। जी जी बिल्कुल 100%। सर मेरी पत्नी मेरे पर भारी है सर। तो विनोद जी, आपने लड़कियों को लेकर इतनी सब बातें बताई, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अपने भारत देश में आजकल लड़कियां सेफ नहीं है। बहुत सारी बातें आए दिन सुनने को मिलती हैं कि बहुत सारे नाम सामने आते हैं, और बहुत से नाम ऐसे भी हैं जो दबे रह जाते हैं, लोगों के बीच आ ही नहीं पाते। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप अगर आप रेप और फालतू चीज़ों की बात करें तो 90% ये सब चीज़ें आपके अपने और ख़ास लोग करते हैं, जिसको आप पर्सनली जानते हैं, मामा हो, चाचा हो, भाई हो, यही करते हैं। तो इसमें ये नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट इसके ऊपर एक कानून बनाना चाहिए, और कोई भी कौन चाहेगा। और लड़कियां, आप एक और बात अब मैं आपको बताता हूँ, लड़कियां खुद के घर में सेफ नहीं है। हमने कितने सारे केसेस पढ़े हैं, तो खुद के घर में सेफ नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं तो बहुत खिलाफ हूँ, बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। और क्या बोलूँ इनके बारे में, कानून सख्त होने चाहिए। लोगों को ये सब करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। सर, बात करें धर्म युद्ध के, जिस सीरियल का आज पहला दिन है जी, ये किस चैनल पे टेलीकास्ट होगा, कब तक दर्शक देख सकते हैं? फिलहाल तो हम लोग पायलट बना रहे हैं अभी, और DD से सैंक्शन भी स्टोरी हो गई है, लेकिन 2-3 पायलट और हम बना रहे हैं, जिसमें जी मैजिक और दंगल और DD तीनों में भेज रहे हैं। तो नसीब हमारा जो सैंक्शन करें, हमको तो काम करना है। और RV3 जो हमारी कंपनी है, जुलाई में एक फिल्म और लॉन्च करने जा रही है। मेरी खास करके कंपनी का नाम RV3 है, याद रखिए, पर हम खुद नए हैं। मेरी फर्स्ट एल्बम हुई, फिर फिल्म हुई, फिर सीरियल है, फिर एक फिल्म बना रहे। तो DD सैंक्शन कर देगी, जी मैजिक कर देगी, हमको सबके साथ काम करने को तैयार है। सर बेसिकली मैं बिजनेस मैन हूँ, मैं शौक के तौर पर कुछ नहीं करता, मुझे काम करनी और सक्सेस होना। तो लगन नहीं, लगन तो है ही, तो लगन है तो इसलिए हम कर आ रहे हैं। शौक सर बहुत जगह पूरी हो सकती है, शौक क्या। थैंक यू। लोग काफ़ी आपके एक्टिंग है जो आपके किरदार है काफ़ी पसंद करें, तो एक बार फिर धर्म में आप आ रही हैं अपने इस किरदार को लेकर, अपने इस न्यू लुक को लेकर क्या कहना चाहेंगे मैम तीसरे को, जिसके साथ फर्स्ट डे है शूटिंग का? जी बिल्कुल, ये एक पायलट हम शूट कर रहे हैं दूरदर्शन के लिए। जैसे आपने कहा कि मैं हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि नागिन मैं कर रही थी जिसमें मैं नेगेटिव कर रही थी, लेकिन इसमें हार्ड कोर पॉजिटिव कर रही हूँ। बिकॉज लोग अक्सर मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि हर बार आप नेगेटिव क्यों करती हैं, तो
जब हम पॉजिटिव रोल करें तो बहुत ही एक ऑथर बैक रोल की ज़रूरत पड़ती है, एंड दिस कैरेक्टर इज एन एब्सोल्युटली ऑथर बैक कैरेक्टर, जिसमें हम वी आर टॉकिंग अबाउट इमेंसिपेशन ऑफ वुमन, स्ट्रेंथ ऑफ वुमन. हमारा यही मानना है कि औरत जो है वो उन्हें हम शक्ति का रूप मानते हैं. तो हर बार जब भी ऐसे कोई भी इंसिडेंट हो जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हम औरतों को ख़त्म कर सकते हैं, वो एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रिगरिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं, जहाँ औरत खड़ी होती है, अपनी लड़ाई खुद लड़ती है. सो दिस स्टोरी इज़ बेसिकली ऑल अबाउट दैट. इट्स अ स्टोरी अबाउट अ मदर एंड अ डॉटर रिलेशनशिप के बारे में है, जहाँ माँ अपने सारे सिद्धांतों को अपनी बेटी को देती है, एंड शी वॉन्ट्स हर. हम आजकल जो हम कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो हम नारा लगा रहे हैं, जो नारे हम लोग लगा रहे हैं, वो बिल्कुल उसी पर आधारित है, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन. हमारे प्रोड्यूसर है विनोद कुमार जी, एंड इट्स RV प्रोडक्शंस. कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, इट्स एन एक्सेलेंट सब्जेक्ट. तो मैम आज क्या शूटिंग की जा रही है, जिस तरह से आपके माहौल हो रहा है, आप किस लुक को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो आपका? वेल एक्चुअली अगर हम कहें तो पायलट का जो क्लाइमैक्स है, जहाँ पर मेरी बेटी को किडनैप किया गया है और मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आती हूँ, और विलन्स कोई और नहीं, घर के ही लोग हैं, ताऊ जी हैं जो मतलब मेरे हस्बैंड के ब्रदर के जो ब्रदर जो ये सारे कांड कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें ये विरासत चाहिए. बस एक विरासत की लड़ाई है, लेकिन इस विरासत को बचाने के लिए दो औरतें कैसे इस विरासत को बचाते हैं, दैट इज़ द स्टोरी. और लुक के बारे में अगर हम कहें तो एब्सोल्युटली चूँकि ये कहानी बनारस में बेस्ड है, तो इट्स अ UP लुक, और मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ. बहुत ही सात्विक औरत है जो मंदिर की मेन ट्रस्टी है, जो मेन ओनर है. तो अगर उस लुक की हम बात करें तो बहुत ही पायस लगता है, एंड इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर. तो मैम एक कलाकार के लिए कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी किरदार हो, हर दिखाते और आप भी चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, आप हर किरदार को बखूबी लोगों के सामने उस फेस को उस वो चेहरा आपके लोगों के दिमाग में बन जाता है. तो आप किस तरह के किरदार को ज़्यादा पसंद करती हैं, निगेटिव या पॉजिटिव? करना तो आप सब करती हैं, लेकिन कौन से किरदार को करके आपको ज़्यादा खुशी होती है? मैं वो कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ जो पॉपुलर हो जाए, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, डजंट मैटर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम हमारे चैनल्स की बात करें, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. मतलब अगर कोई भी इफ़ यू सी दी ऑडियंस बहुत इन्फ्लुएंस्ड है कुछ कैरेक्टर्स को लेके, कुछ स्टोरी लाइंस को लेकर, तो मेरा यही मानना है कि अगर हम इस माध्यम को, इस मीडियम को सोसाइटी के रेफॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया. जैसे आपने बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, पीएम मोदी भी काफ़ी कुछ ऐसे केस सामने आते हैं, उनको जस्टिस की मांग की जाती है और कहा जाता है सरकार गलत है, ये कानून सही नहीं है, काफ़ी कुछ बातें उठती है. क्या कहना चाहेंगे मैम, किस तरह से मतलब क्या कुछ है कि जिसकी वजह से ये सब चीज़ें सामने आती हैं? सी मेरा यही मानना है कि हर बार हम गवर्नमेंट की ही बात करते हैं. सी इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रहा है, हम गवर्नमेंट के लिए या हम हिंदुस्तान के लिए क्या कर रहे हैं. एक सवाल हम अगर अपने आप से भी पूछें, जिसका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है. हम सिर्फ जब कोई एक कांड होता है तो हम एक हफ्ते तक उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम उसे भूल जाते हैं. देयर इज़ नो एक्शन. अब ज़रूरत है कि लोग एक्ट करें किसी चीज़ को लेकर, या किसी जस्ट फॉर द सेक ऑफ TRPs हम बैठ कर डिबेट करते हैं, डिबेट पे डिबेट किए जाते हैं जिस पर कोई कंक्लूजन नहीं है. दिस इज़ एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम. वी एक्चुअली हैव टू स्टार्ट एक्टिंग एंड स्टॉप ऑल दिस. थैंक यू. हाँ जी, ये इसका ID देना है, ये बोलना. क्या बोलना? वॉच एशिया TV, UK's फेवरेट इंफोटेनमेंट चैनल. नाम दे दीजिएगा आप. मैं नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम राजेश सिंह. इस शो का मेरा कंसेप्ट है, जिसको मैंने पारस जी से लिखवाया था, जो राइटर पारस जायसवाल, जिन्होंने डायलॉग और स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा, मेरे कंसेप्ट को आगे बढ़ाया. और मैंने इस कहानी को बनारस के बैकग्राउंड में रखते हुए, मैंने एक मंदिर निर्माण को लेते हुए, जैसे कि एक मठ होता है, मठ को एक आज के समय में संभालने के लिए एक करेक्टर की ज़रूरत होती है. एक माँ जो है उस मठ को संभालती हैं,
उसके बाद उसका विरासत एक बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते एक विरासत के रूप बहुत बड़ा ले लेता है, जहाँ पे लाखों करोड़ों का मतलब आवागमन होने लगता है। बट उसी पे एक नज़र होती है उसके घर ही के लोग को, लड़की को आगे आती है जो काफ़ी पढ़ी लिखी है बनारस यूनिवर्सिटी से, वो संस्कृत में मतलब एक विद्वानता उसके अंदर है, वो इंग्लिश भी बोलती है, हिंदी भी बोलती है और संस्कृत भी बोलती है, और हमारे समाज में बढ़ती हुई लड़कियों को भी वो एक उदाहरण है, चाहे वो एक ऐसी लड़की जो मॉडल भी है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो जींस भी पहनती है, ज़रूरत पड़ती है तो साड़ी भी पहनती है, डांस भी करती है और समाज को सुधारने में काफ़ी काम करती है। इसलिए मैंने इसका नाम भी रखा है धर्मयुद्ध और कर्मयुद्ध, दोनों का एक फासला है कि लड़की जो है धर्म के मार धर्म को भी बचाती है और अपने कर्म में रहते हुए उसको कैसे आगे बढ़ाती है। और मैं यही कहूँगा कि हमारे विनोद जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, इस कहानी को मैं उनके पास लेके गया तो उनको बहुत अच्छा लगा, बोले कि बहुत अच्छी बात है और उन्होंने इस चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ विनोद कुमार जी को। उन्होंने आरवी सीरीज़ की तरह हम अभी पायलट बना रहे हैं दूरदर्शन के लिए, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की दुआएँ होंगी तो ज़रूर हम लोग उसको आगे देखेंगे, बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये कॉन्सेप्ट कैसे आपके लिए हमने है कि इस तरह से के सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए और दर्शकों के बीच और ऑडियंस के बीच में जाना चाहिए, कुछ मैसेज और इस तरह से? देखिए माध्यम तो बहुत कुछ है, देखिए आज अगर देखा जाए तो दो ही चीज़ होती है, तो रामायण या तो महाभारत, अगर हम कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं तो कोई ये बोलता है यार ये तो महाभारत से मिलते जुलता है, ये तो रामायण से मिलती जुलती है, लेकिन मैंने एक मुद्दा वही है रामायण हो या महाभारत हो, लेकिन मैंने एक मुद्दा रखा कि एक मंदिर जहाँ पे आज हम मंदिर में श्रद्धा से सर झुकाते हैं, श्रद्धा से हम लोग आज जाके मंदिर में पैर हाथ जोड़ जोड़ते हैं, तो वहाँ चीज़ें जो पैसे जो वहाँ से जो बाहर आते हैं लोगों की नज़र में बहुत होता है यार, आप देख लीजिए कि कई लोग उसके लिए बदनाम भी है, जेल भी गए। तो मेरी जो कैरेक्टर है, जो मैंने जो कैरेक्टर रखा है, एक साफ सुथरा भी इंसान इस मंदिर का पुजारी हो सकता है, जिसको हम आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर को लेके हर चीज़ आगे आगे आ रहा है। कहीं कहीं जैसे कि अभी इंटरव्यू सुधा जी ने बोला और उन्होंने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है मोदी जी को, उसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं इससे सीरियल के माध्यम से, कि ये बेटी एक माँ है उसका दायित्व बेटी संभाल रही है, जो लड़की आज बेटियाँ भी बेटों से बढ़कर हाँ, मेरा भी मैंने भी यही सोचा था कि आज के समय में जो मोदी जी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यही नहीं स्वच्छता अभियान भी मैंने अपने शो में रखा हुआ है कि एक सीन हमने आपको देखने को मिलेगा कि जब लड़की जब गंगा जी से आरती करके निकलती है तो हमारे कुछ पढ़े लिखे इंसान जो है गंदगी फैला रहे हैं, जिसको बुला के बोलती है कि आप तो इतने पढ़े लिखे हो के भी, और वो जो होता है ना फूल ले जाके और उसमें नदी में डालना, तो उसको बुला के उसको समझाती है कि ऐसे गंदगी क्यों फैला रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम समाज को एक रास्ता भी दिखा रहे हैं अपने इस धारावाहिक के माध्यम से। तो खाली बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं है, हम स्वच्छता अभियान को भी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। का पहले नाम? सर पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव, एक्टर हूँ आपके सामने। सर क्या कहना चाहेंगे, धर्म युद्ध में किस तरह के किरदार में होंगे और क्या कुछ नजर आएगा? और ये शूट चल रही है सीरियल की, देखिए मज़ा तब है जब लोग देखें और रिएक्ट करें। इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने शूट स्टार्ट किया, पहले सीन में ही अंदर का कलाकार जो था वो यूं निकला, मतलब ऐसे निकला और बड़ी ज़ोर से एक्टिंग आई जैसी मैं यहाँ पहुँचा, क्योंकि इस तरह किरदार निभाने में मुझे मज़ा आता है, वैसे भी शक्ल ख़राब है तो लोग अक्सर मुझे इस तरह के रोल दे देते हैं, तो आई एम हैप्पी, बड़ा मज़ा आ रहा है। महिलाओं को और लड़कियों को एक आगे, उनके एक जो हर जगह पर देखा जाता है महिलाएं सबसे आगे, तो उस किरदार को, अहम किरदार को ये सीरियल्स में दिखाया जा रहा है। जब इस तरह का सीरियल, इस तरह की स्क्रिप्ट आपके सामने होती है तो कितना अच्छा लगता है देख के, जब इस लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं? देखिए सोच बदल रही है, मैं जो अब देख रहा हूँ दिशा बदल चुकी है, अब अक्सर इस तरह के फॉर्मेट पे, इस तरह के विषय पर चीज़ें सामने आ रही हैं। और मैं तो बहुत प्यारी सी बात कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि हमारी बच्चियों को बहुत लाचार दिखाया जाता है, नहीं नहीं नहीं, अब कहानी बदल चुकी है, अब तो शक्ति का प्रतीक बन चुकी हैं और
और मुझे खुशी होती है कि हमारी बच्चियाँ मर्दों से कहीं आगे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो विनोद जी का जिस तरह से कहना है कि हमेशा महिलाओं को लेकर, उनकी शक्तियों को लेकर ही वो हमेशा एक फिल्म भी लेकर आ चुके हैं जो रिलीज होने वाली जून में, फिर सीरियल लेकर आ रहे, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने अपने दिमाग में इस तरह का कॉन्सेप्ट बना रखे हैं कि हम महिलाओं को बढ़ते हुए को हम लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं? देखिए, विनोद जी का अगर ये प्रयास है तो बहुत बड़ी बात है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। फिल्म लेके आए मुझे नहीं लिया, मैं उनसे नाराज़ हूँ उस बात के लिए, लेकिन अगले फिल्म में श्योर है सर। लेकिन हम सबको ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए, कोई तो शुरुआत करे। और अगर ये सोच इनकी है कि हर बार मैं इसी विषय पर लेकर आऊँगा चीज़ें, इसी विषय पर इन्हीं मुद्दों को लेकर खड़ा रहूँगा, तो शत शत नमन है ऐसे लोगों को। तो विनोद जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का कि आप ये सब चीज़ें आप सामने ला रहे हैं। तो आज जो शूटिंग चल रही है, आज जो शूट चल रहा है, उसके क्या कुछ प्ले है आपका, क्या कुछ करते नजर आए? देखिए, कहानी तो मैं रिवील नहीं करूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि जो बच्ची है, जो इस हमारी जो लीड है, उसका ताऊ लगता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो मतलब उसकी जो भी जायदाद है, जो भी उसका पैसा और रुतबा सब है, वो सब छीन लूँ, और बस यही। थैंक यू सो मच सर।